subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं गौरव YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको 2018 में जो जेल पहरी के पेपर हुए हैं उसमें से सिर्फ मैथ्स के जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे जेल पहरी में 20 क्वेश्चन आते हैं आपका, है ना। तो 20 क्वेश्चन अपन पूरे के पूरे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन मैथ्स के। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है, ठीक है। उसकी चाल कितनी है? 16 किलोमीटर, ठीक। उसमें बोला है कि 356 किलोमीटर की यात्रा के लिए आवश्यक समय कितना लगेगा या कितना समय में वो पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, एक चीज़ मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ, डी अपॉन एस इंटू टी। याद रखेंगे डी मतलब होता है आपका डिस्टेंस मींस दूरी, एस मतलब होता है आपका स्पीड, स्पीड को मैं लिख सकता हूँ आपका गति, टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, समय, ठीक है। एक ही सूत्र आप लिखिए, ठीक। तो ये वाला एक सिंपल सा सूत्र, देखिए अब आपसे ये बोला है आपको क्या क्या चीज़ दे दी है, आपको डिस्टेंस दी है, बिल्कुल दी हुई है, 356 है, बिल्कुल 356 किलोमीटर, ठीक है। गति दी है आपको 16 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मैं यहीं से इसको सॉर्ट कर देता हूँ, 16 का ही पहाड़ा पढ़ देता हूँ, 16 एकम 16, 16 दुनी 32, बचेगा 3, 16 एकम 16, 16 दुनी 32, ठीक है। फिर बचेगा आपका 4, तो 4 से तो जा नहीं सकता, तो एक जीरो लगा के एक पॉइंट लगा दिया, 16 एकम 16, 16 दुनी 32, ठीक है। फिर 8 बचेगा, फिर एक जीरो लगा के 16 पंचे 80, तो आपका आंसर आ गया है 22.25। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में घंटे और मिनट में कन्वर्ट करके बोला है, तो मैं पहले इसको घंटे और मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं, फिर अपन आंसर देखते हैं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 22 घंटे, ठीक है। आप याद रखेंगे ये जो 25 है ये 100 की इक्वेशन से आया है, ठीक है, ना कि 60 की। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 0.25 को 0.0 अलग करके क्या लिख सकता हूँ, 100, ऐसा लिख सकता हूँ 22 घंटे ये मिनट। अब देखिए मिनट में आपको अगर कन्वर्ट करना है, याद रखेंगे किसी भी चीज़ की आपको इक्वेशन में बदलना है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके, 60, तो मैं 60 से गुणा कर दूंगा तो मेरा जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, मिनट में, 22 घंटे तो मेरे आ चुके हैं, ठीक। तो चलो इसको अलग कर देते, ये हो जाएगा आपका 5 दुनी 10, 5 25, 3 एकम 3, 3 दुनी 6, 5 दिया 15, अब ये आंसर काहे में आ जाएगा आपका, मिनट में, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 22 घंटे 5 मिनट में 256 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा, किस गति के हिसाब से, 16 क्वेश्चन में दिया है, 256 क्वेश्चन में दिया है, अपन ने सिर्फ क्या ज्ञात कर लिया, समय, तो 22 घंटे 15 मिनट, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, वैसे भी आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस आपको दी हुई थी, गति आप दी हुई थी, आपको समय निकालना था और आपका समय का आंसर कितना आ गया, 22 घंटे 15 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बोला है x अक्ष से बिंदु कोष्टक में -6, -1 की दूरी है, तो इसको मैं पहले एक डायग्राम बना लेता हूं। देखिए ये y है प्लस, y प्लस, ये x प्लस, ये x माइनस, ये y माइनस, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 छः तक लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, तो याद रखेंगे ये प्लस वाली है, ठीक है। अब यहाँ से मैं लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी प्लस वाली है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। यहाँ से 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये दो चीज़ हो गई आपकी, x प्लस और x माइनस, और x प्लस और x, सॉरी, y प्लस, y माइनस, x प्लस,
एक्स माइनस, आपको देखो दोनों चीज़ें हैं क्वेश्चन में, माइनस सिक्स, तो देखिए माइनस सिक्स को मैं यहाँ पॉइंट कर देता हूँ कि यहाँ पर है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका वन, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपकी जो इक्वेशन बनने वाली है ये है आपका वन, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा दूर, माइनस वन माइनस, ठीक है। चलिए तो ये आपकी क्वेश्चन यहाँ पर आती है, तो देखिए इसके और इसके बीच में कितने की दूरी है, टोटल छः की, याद रखेंगे आपने एक माइनस यहाँ से लिया, माइनस सिक्स यहाँ से लिए, ठीक है। तो ये टोटल आंसर कितना आ जाएगा, छः, जो कि आपके ऑप्शन में कितना है, छः, लास्ट वाले नंबर पर है छः। तो आपसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, माइनस सिक्स कॉमा माइनस वन की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, छः, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है आपका, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक सार्क जिसकी प्रति घंटे स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, या हर घंटे में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, डी बराबर होता है एस इंटू टी, डी से होता है आपका दूरी, गति और समय, ठीक है, डिस्टेंस स्पीड टाइम। सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन बोला है कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर हो जाएगा, गति कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और आपका समय कितना दिया हुआ है 3, तो ये दूरी बराबर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगी आपका 15 किलोमीटर। मतलब वो अगर 5 के हिसाब से चलती है तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है, ठीक है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो उसके द्वारा बस के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। इसने बोला है कि वो जो है प्रीति है, ठीक है, वो कहीं पर यात्रा करती है, कुछ यात्रा करती है, और वो यात्रा कितनी है उसकी 100%, तो 100% में से बोलता है 40% यात्रा जो है वो किस कैसे करती है, पैदल, 40% पैदल करती है, तो बाकी का कितना बचा, यदि मैं इसमें से घटा दूं 40% तो कितना बचेगा 60%, 60% किससे करती है, वो बस के द्वारा तय करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि कुल दूरी उसके द्वारा जो कुल दूरी है वो 80 किलोमीटर हो तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताएं, तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए 100% है, यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ, 40 यहाँ से माइनस कर देता हूँ ना, तो ये हो जाएगा आपका 60। अभी बोला है कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 80 किलोमीटर, तो 60% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, 80 × 60/100। देखिए अब 100 क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाया, उसके बटे में क्या कर दिया 100। अब देखिए सिंपल, 48 किलोमीटर की दूरी वो बस द्वारा तय करेगी, और बचेगी कितनी दूरी, अगर मैं 80 से 48 घटा दूं तो 32 किलोमीटर उसके द्वारा पैदल दूरी तय की जाएगी, ठीक है। वैसे ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, 32 कोई नहीं करता है, ठीक है दोस्तों, फिर भी क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया, 48 किलोमीटर बस द्वारा, बाकी की 32 जो बचेगी यानी कि 40% वो क्या करेगी, वो पैदल, ठीक, बिल्कुल सिंपल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आपको बता दूं, जेल पहरी के 75% क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, अगर आपको मेहनत करनी है तो मात्र 5 क्वेश्चनों में मेहनत करनी है, मैं आपको दावा करता हूं कि आप 20 out of 20 ले आएंगे, ठीक है। चलिए अभी आप अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है एक सेब का कितने लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, 50, तो कितने सेब, ठीक है, कितने सेब बराबर 225, ठीक है, ये हो जाएगा 50 × 225, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 4.5, 50 चौको 200, बचेगा आपका 5, ठीक है, सॉरी 25,
एक जीरो लगा दूंगा मैं पॉइंट के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4.5, यानी कि उसको 4.5 सेवों की आवश्यकता पड़ेगी यदि वो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है एक पैकेट में 14 पात्र हैं और एक पात्र में 18 कैप्सूल हैं, यदि कुल 22,520 कैप्सूल हैं तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। चलिए इसी के जैसे बिल्कुल ऐसे एक सवाल है, देख लेते हैं। इसने बोला है आपको एक पैकेट, पैकेट में कितने 14 क्या है ये पात्र हैं, ठीक है, और प्रत्येक पात्र में कितने हैं 8 कैप्सूल हैं, ठीक। चलिए उसके बाद ये बोलता है कि एक पैकेट में 14 पात्र और 8 कैप्सूल हैं, तो ऐसे कितने पैकेट चाहिए होंगे, ठीक है, तुम्हें इसको नहीं पता है, जिसमें कितना आ जाए 23,520 कैप्सूल आ जाएं, ठीक है, त्रियक गुणा कर देते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 14x × 8 23,520, 14 से ही काट देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 14 × 14 बचेगा आपका 9, ठीक है, 14 × 6 = 84 बचेगा आपका 11, 14 × 8 = 112 ये हो जाएगा आपका 0, ये पूरा कैंसिल हो गया, 8 से ही काट देते हैं, 8 × 2 = 16, 8 × 8 और ये 0, मतलब x बराबर हो गया 210 पैकेट। याद रखेंगे दोस्तों, यदि आपको 23,520 कैप्सूल रखने हैं तो आपको कितने पैकेटों की जरूरत पड़ेगी, 210 पैकेटों की। यदि मैं बोला होता आपसे क्वेश्चन में, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, यदि मैं बोलूँ आपसे एक पैकेट में कितने कैप्सूल हैं, तो देखिए एक पैकेट में कितने कैप्सूल होंगे आपकी, टोटल 14 × 8 मतलब 112 कैप्सूल, क्यों, क्योंकि एक पैकेट में पहले तो कितने हैं 14 पात्र हैं, उन 14 पात्रों में प्रत्येक में 8 कैप्सूल रखी हुई है, मतलब अगर मैं एक पैकेट लेता हूं तो उसमें मेरे को कितना मिल जाएगा, मतलब 112, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर 112 का गुणा मैं किसमें कर देता हूं 210 में, तो मैं वापस किसमें आ जाऊंगा 23,520 में। खैर कोई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पैकेट 14 × 8 स्त्री एक गुणा कर दी और आपका आंसर आ गया 210। कुल मिला के आपको 210 पैकेटों की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लिख ही देता हूं, अगला क्वेश्चन है 69,853, ठीक है, इसमें बोला है के घन में इकाई का अंक बताएं, ठीक है, इकाई का अंक। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर मैं बोलूं 3, तो 3 है लास्ट में, और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट की संख्या से गुणा लास्ट में होगा, ठीक है, 3 का अगर मैं बोलता हूं ये, तो 3 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, ये वाला क्वेश्चन में ये बोला था आपको कि 69,853 के 53 एक घन है, उसकी इकाई का अंक बताना है आपको, मतलब कुल मिला के इसको मैं 3 बार गुणा करूंगा, तो मेरे को पूरा करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लास्ट वाली संख्या का गुणा करूंगा। तो देखिए 1 में कितना आता है 3, 2 में कितना आता है आपका स्क्वायर में 9 हो जाएगा, और इसमें कितना जाएगा 27, तो आपका आंसर जो है 7 क्या हो जाएगा सही है। उसके बाद अगर आपसे बोला होता कि आपका 4 का पावर में अगर 4 होता तो कितना आता 1, उसके बाद याद रखेंगे कोई भी इक्वेशन 4 के बाद क्या करने लगती है, रिपीट करने लगती है, 1, 2, 3, 4 देखिए, फिर रिपीट में क्या जाएगा आपका ये 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अभी अगली क्लास में अपने जब कभी भी देखेंगे तो इनके बारे में जरूर पढ़ेंगे, और याद रखेंगे कभी भी 0, 1, 5 और 6
इनकी इकाई के अंक कितनी भी पावर आप लगा दीजिए हमेशा एज इट ही रहेंगे। यदि जीरो में इकाई का अंक जीरो है, आप उसमें कितनी भी पावर लगा दें इकाई में जीरो ही आने वाला है। ऐसा ही एक और पांच के और छह के साथ भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका, सात। अब इसने बोला है चर सहित सही सही समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे आपको जहां पर भी x लिख रहा है जिसमें कि आपको x की वैल्यू पता चल सकती है। देखिए मैं लिख भी देता हूं पहले से कि पहला ऑप्शन है जो आपका x बराबर 140, सॉरी ये नहीं है, p अपॉन 28 68 3 प्लस 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0 3x प्लस 120 ग्रेट स्मॉलर देन 180, ठीक है। चलिए देखिए चर संख्या क्या होती है, चर संख्या मतलब होती है स्वतंत्र x बाय कुछ भी जिसका आपको मान ज्ञात किया जा सके। यदि मैं पहले ऑप्शन से देखूं तो मेरे को कहीं ऐसा नहीं लग रहा है जिससे कि मेरे को क्या है आपका x का मान ज्ञात हो जाए। तो देखिए यहां पर है x का मान ज्ञात हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहां पर भी वही है क्योंकि ये है 30x स्मॉलर देन 140, x का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। अगर x का मान ज्ञात नहीं हो रहा है इसका मतलब वो कौन सी संख्या हो जाएगी, चर अचर संख्या, सॉरी। अगर मान ज्ञात होता है तो वो चर संख्या है, ठीक है। ये भी नहीं होगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे मैं x की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूं। देखिए 3x 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x अंदर गुणा कर रहा हूं मैं, याद रखेंगे दोनों में गुणा करूंगा, पहले ऐसे फिर ऐसे, 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। ये 2x माइनस ये 3 से 2 चला जाएगा तो 1 बराबर 0, x बराबर माइनस पक्षांतर कर देता हूं तो एक, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1/2। देखिए x का मान आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इनमें से चार संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, थर्ड ऑप्शन वाली, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चार संख्या समझ गए। चार संख्या का मतलब होता है किसी भी x या y का मान स्वतंत्र रूप से ज्ञात किया जा सके, जबकि आपके तीन ऑप्शन जो थे उससे आप x का मान ज्ञात नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो आपका ये थर्ड वाला आ जाएगा, सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया कि x का मान कितना आने वाला है, 1/2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बैट करने के लिए बोलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोला है के किसी मान के लिए रेखीय समीकरण प्रणाली 2x प्लस 3y बराबर 2k एवं 5x प्लस ky बराबर माइनस 2k अद्वितीय हल होंगे। याद रखिए अद्वितीय हल का मतलब होता है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसको क्वेश्चन में ये कर लेते हैं। अब देखिए जो पहला वाला आपका वैल्यू दिया है, ये दिया है आपका 2x प्लस 3y बराबर माइनस 2k, और सेकेंड वाली वैल्यू दी हुई है, सेकेंड वाली है 5x प्लस ky, 5x प्लस ky माइनस 2। चलिए ठीक है, इसको इतना बस सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब ये होगा, तो ये देखिए ये a1 है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है आपका, a1 x a2 x बराबर b1 अपॉन b2 y, और ये भी हो जाएगा y, सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है अपन, ठीक है। उसके बाद भी होता है c भी होता है, लेकिन उसकी कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो a मतलब मेरा क्या हो जाएगा आपका, 2, ठीक है, x के बाद है, और a2 मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 5, ठीक है। और ये b1 बराबर मतलब क्या जाएगा, b1 मतलब कि 3, ठीक है। और यहाँ से मेरा हो जाएगा b2 बराबर k, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बराबर का निशान लगा देता हूँ, त्रियक गुणा कर देता हूँ, तो ये 2k बराबर 5 × 15, तो k बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं है 15/2। देखिए आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा आपका
फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये है 15/2, ठीक है। तो ये इसका पूरा चैप्टर अच्छे से समझोगे तब आपको समझ में आएगा। फिर भी मैंने ओरली बता दिया कि जब के अद्वितीय हल होते हैं तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, ठीक है। मैंने इसी समीकरण से वो सॉल्व कर दिया, उसका आंसर तो 0 आने वाला था, ठीक है। चलिए तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 15/2, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा गीला हो गया लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये बोला है यदि m -4 और 2, देखिए 4 माइनस में है लेकिन 2 क्या है प्लस में, के बीच में एक मध्य बिंदु है, तो m के लिए पूर्णांक ज्ञात करें, ठीक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है याद रखेंगे, प्लस माइनस 0 सभी संख्या क्या होती है, पूर्णांक, ठीक है। तो अभी मैं इसको देख लेता हूँ, -4, -3, -2, -1, 0, 1 और आपका 2, ठीक है। इसी ने ये बोला था कि m क्या है, इन चारों के -4 से लेकर 2 तक का मध्य बिंदु है। तो देखिए 3 यहाँ के हो गए, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा आपका -1, बिल्कुल सिंपल था। और ये किसके लिए बोलता है कि m जो है -4 और +2 क्या एक मध्य बिंदु था, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए यहाँ बता देता हूँ मैं, नहीं ठीक है मिटा ही देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करें, क्या वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल मतलब है आपका स्क्वायर रूट, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 23.04 किसी संख्या का वर्ग है, ठीक है। तो उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए मैं पहले आपको ऑप्शन से बता देता हूँ कि कौन से ऑप्शन है जो आपके नहीं हो सकते। देखिए पहले ऑप्शन है आपका 4.8, तो यही आपका आंसर है, अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए दूसरा ऑप्शन में था आपका 2, तो इसकी जो भी संख्या आने वाली है 1, 2, 3, 4 पॉइंट के बाद आने वाली है, मतलब ये आपको ऑप्शन ही नहीं होगा। और लास्ट वाला सेकेंड थर्ड वाला ऑप्शन है 48.2, इसका तो वर्ग बहुत ज़्यादा जाने वाला है, तो ये भी नहीं होने वाला आपका। लास्ट ऑप्शन था आपका 2.2 का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे, तो याद रखो दोस्तों इसका आपको याद होना चाहिए कम से कम 30 तक का, तो ये 484 होता है, मतलब ये भी आपका नहीं आंसर क्या हो जाएगा, 48.4.8। अब देखिए इसको अगर ऐसा कर लूँ मैं 23.04, ठीक है, उसका अंडर रूट 23, ये दो मैंने पॉइंट खोल दिए, तो ये कितना आएगा 100√48/10, तो ये हो जाएगा 4.8। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कभी भी आप देखिए व्यापम जो आपसे मूल या वर्गमूल पूछता है तो वो बिल्कुल सिंपल ही होता है। देखिए दो ऑप्शन बिल्कुल मैंने आसानी से काट दिए थे, ठीक है। अब आपका जो लास्ट ऑप्शन बचा था 2.2, ये बहुत कम हो जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 4.8। 48 का स्क्वायर याद रखेंगे दोस्तों 2304 होता है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से तो ऑप्शन से देखते ही सही काटो और तुरंत किसी एक का ही निकाल दो, ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है। क्योंकि देखिए ये मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को पता था तभी मैंने 48 लिखा, नहीं तो मेरे को इसमें तो मेहनत करनी ही पड़ती, ठीक है। चलिए बाकी तो आपका ये मेथड मेरे हिसाब से सही है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला है पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है, ठीक है, किसका अंतर -5 है। ज्यादा कर दे, गीला कर दे रहे तुम लोग यार, कैसे टेक्निकल हो। चलो कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बोर्ड गीला हो गया है, माफी चाहता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पूर्णांक की निम्नलिखित में से जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं -2 और 7 की बात करूं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात। तो देखिए दोस्तों इसका दोनों का अंतर कितना हो गया आपका, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, दस हो जाएगा या नौ हो जाएगा, क्योंकि सात में आप कितना जोड़ोगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ जोड़ोगे, मतलब इसमें नौ का अंतर है, ठीक है, तो ये है नहीं। और थर्ड वाला ऑप्शन है जो आपका, उसमें आपको सात से बोला है माइनस दो, तो इसमें भी सेम आने वाली इक्वेशन, ठीक, उसके बाद हो जाएगा आपका छः और ग्यारह, ठीक, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें आपका कितने का अंतर है, माइनस पाँच का। लास्ट वाला ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर देखना होता तो उसका भी आंसर क्या दिया जाता आपका, कितने का अंतर है इसमें बताएं, सिर्फ एक का अंतर है, क्योंकि माइनस तीन माइनस दो, ठीक। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, छः और ग्यारह में कितने का अंतर है, माइनस पाँच का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो है आपका 104 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार का तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए यदि अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। याद रखेंगे दोस्तों आपका जो समांतर चतुर्भुज होता है वो इस प्रकार से होता है, इसमें क्या होता है आमने सामने की भुजाएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए और ये दोनों भाग भुजाएं कैसी होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो इसने ये बोला, अब देखिए ऊंचाई ये नहीं है आपकी, ये त्रियक ऊंचाई होती है, ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी ये, और ये कितना दिया है आपको 8 सेंटीमीटर और एक आधार कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। यदि आपको ये ज्ञात हो जाएगा तो आप उसकी परिधि ज्ञात कर सकते हैं। इसने परिधि थोड़ा गलत लिखा है, एक्चुअली होता क्या है इसमें, परिमाप होता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो सूत्र होता है आपका, एरिया बराबर बी इंटू एच, इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ मैं एच, ठीक है, हाइट। अब देखिए ये तो अपन को ज्ञात नहीं है लेकिन ये ज्ञात है, तो मेरे को एरिया तो दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 104, बी अपन को पता नहीं है, ठीक है, हाइट कितनी है 8, 8 से काट देता हूँ तो 8 एक 8 और 8 दिया 24, तो बी बराबर कितना निकल आया मेरा 13। अब ये क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, तो ये 13 है तो ये कितनी है, 13 है तो ये भी कितनी हो जाने वाली है 13, और ये कितनी है आपकी 9 तो ये भी कितनी हो जाएगी 9, तो 9 दुनी 18 13 दुनी 26, 26 और 18 कितना हो जाएगा आपका आंसर 44 सेंटीमीटर। परिमाप या परिधि जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका अगर आपको करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं सूत्र, लेकिन सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, याद रखेंगे परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग, ठीक है। चलिए ऐसे करके फिर भी लिख देता हूं आपको, ये हो जाएगा आपका परिमाप बराबर 2b प्लस 2c कर देता हूं, ठीक है, इस भुजा को मैं सी मान लेता हूं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये वो करेंगे वही वैसा ही हो जाएगा आपका, 9 दुनी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये बी का है तो ये 13 दुनी कितना हो जाएगा आपका 26, और ये कितना हो जाएगा आपका 9 दुनी 18, बात वैसे ही हो जाएगी। मेरे हिसाब से ऐसा ना करके आपका कहना चारों भुजाओं का योग कर दें, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 44, मतलब कुल मिला के चारों भुजाओं का योग, मतलब इसका जो परिमाप है, परिमाप मतलब होता है ये सब पूरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप का मतलब ही होता है परिधन माप, मतलब ऊपर का जो शेप, कितना एरिया घेरा हुआ है, ठीक। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 6x एक्स वाई स्क्वायर माइनस 11 में x का गुणांक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है देखिए आपको x का गुणांक लिख देता हूं पहले, ठीक है। अब पहला है आपका 6y, जबकि लिखा कैसा हुआ आपका 6xy² - 11, तो x का गुणांक क्या होने वाला है 6 और y स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा है आपका 6xy², तो इसमें तो x ही आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका ये, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 6y², लास्ट ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है। तो x का गुणांक क्या होगा आपका 6y², ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है 2/3। यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है तब ड्रम की क्षमता बताइए। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, 100% होती है, या तो फिर वो एक होती है। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि 2/3 कोई भी चीज़ क्या है, भरी हुई है। ठीक है, तो एक से मैं माइनस कर देता हूं, 2/3 भरी हुई है तो 1/3 क्या है, खाली है। ठीक है ना, 1/3 खाली है। यदि इसने बोला 1/3 को क्या बोल दिया है कि यदि 50 लीटर और डाल दिया जाए, या दूसरी भाषा में कहें कि 1/3 और भर दिया जाए, तो जो आपका क्या बोलते हैं एक ड्रम है पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ड्रम का जो क्षमता उसको एक्स मान लेता हूँ, नहीं भी मानना है कोई इशू नहीं है। इसकी क्षमता कितनी दी है, 50। ठीक है, कि इतना भरने पे तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 150। मतलब उस ड्रम की कुल क्षमता कितनी है, 150 लीटर, जिसमें से बोला है 2/3 लीटर भरा हुआ है, तो 2/3 लीटर भरा हुआ है, मतलब कितना भरा हुआ है बताओ, 2/3 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यहाँ से भी आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 300, ये दो का गुणा कर देंगे अपन, तो यहाँ से भी कितना आ जाने वाला है अपन को, 150। ठीक है, याद रखेंगे, ये कटा नहीं है, अलग कर देता हूँ मैं। कुल मिला के 2/3 = 100, 1/3 = 50। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, उस ड्रम की कुल क्षमता कितनी है, 150, जिसमें से भरा हुआ भाग 100 लीटर का है, खाली कितना है 50, जैसे कि क्वेश्चन में बोला हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो है 150। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन समझ लीजिए बोर्ड मास जैसा ही है। ठीक, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, -3/2 × 3/7 + 5/2 × 3/7। बस इसको क्या बोला था इसने, हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सही, एक बार रिपीट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलिए इसका डायरेक्ट देखिए गुणा कर देते हैं। गुणा में हमेशा डायरेक्ट सामने सामने गुणा होता है, तो ये -3 का गुणा 3 से करूँगा तो क्या जाएगा, -9, ये हो जाएगा 7 × 2 = 14। यहाँ से भी 5 दिया 15 और ये जाएगा 7 × 2 = 14। अब याद रखेंगे दोस्तों, बेस समान होते हैं तो सामने डायरेक्ट ये संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो मैं 15 को 9 से जोड़ूंगा तो कितना होना चाहिए था, 24, लेकिन ये माइनस में है तो इससे घट जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 14/6। अब देखिए ये 6, ये बड़ी संख्या प्लस में थी, ये माइनस में थी, तो 6/14 दो से काट देता हूँ तो 3/7। तो इस पूरा समीकरण को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 3/7। याद रखेंगे बेस समान होता है, एलसीएम एचसीएफ का है ये, टोटल आपका समझ लो माइनस पूछना चाह रहा है और एलसीएम एचसीएफ पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर पूरा सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, 3/7। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए बोला है ए बी तथा सी, तीन संख्याएं जिनका नाम है ए बी सी। ठीक है, ए का 1/3 बी है, मतलब ए जितना भी होगा उसका 1/3 कौन होगा, बी। अब ये बोलता है कि सी कितना है, 75, सी की वैल्यू कितनी है 75, जो कि ए से 30 अधिक है। चलिए सॉल्व हो गया सवाल यहीं पर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लास्ट तक जरूर पढ़िए, लास्ट में ही आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रहता है। देखिए अभी मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कौन सा कहाँ पर है। ए का 1/3 = c है, c बराबर है 75 और ए, ठीक है, ए C से 30 कम है। देखिए यही क्वेश्चन बोला है, पहली लाइन में ये बोला, दूसरी तीसरी। ठीक है, तो जब C की वैल्यू कितनी है, 75 है। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 - 30 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 45। और जब A की वैल्यू आ गई आपको, है ना, बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 75, A की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी, 45, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A का 1/3, तो A कितना हो गया आपका, 45 1/3 = 15। ठीक है,
चलिए एक बार और देख लेते हैं। इसने ये बोला था कि ए का 1/3 बराबर बी है, सी बराबर 75 है, ए सी से 30 कम है। तो देखिए मैंने क्या किया, सी बराबर 75 लिखा, ए को 75 माइनस 30 कम कर दी, क्योंकि ये बोल रहा है कि ए सी से 30 कम है, तो ए बराबर 45 आ गया। फिर पहली लाइन में जाते हैं, ए का 1/3 निकाल लिए, तो किसकी वैल्यू आ गई, बी की। तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है, ये तीनों की वैल्यू निकल आए, तो उसका आंसर जो है अपना हो जाएगा 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3x माइनस है क्या, माइनस है 2y स्क्वायर, ठीक है, इसको सिर्फ सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए इसको मैं अलग लिख देता हूँ, पहले 3x माइनस 2y, ठीक है, स्क्वायर है तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया। अब देखिए गुणा कर देते हैं, 3x से 3x में करेंगे तो कितना जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, फिर 3x का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 दुनी माइनस आएगा, देखिए माइनस में गुणा कर रहे हैं, ठीक है, माइनस 6xy, ठीक है, फिर माइनस को वर्ष में करेंगे तो माइनस 6xy प्लस, देखिए माइनस को गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जो कि क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और ये आता कैसे होता है, ऐसा ही याद रखेंगे दोस्तों, ये सूत्र तो सब बता देते हैं, इसका मतलब ही क्या होता है आपका, ठीक है, यही होता है, इसका स्क्वायर कर दे, ए का गुणा ऐसे किए तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए का गुणा इससे किए तो क्या जाएगा आपका ए बी, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना जाएगा आपका ए बी, और यहाँ से बी का गुणा बी से करेंगे तो क्या जाएगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है, तो यही सिक्वेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो याद रखेंगे का इस ये वाले फार्मूला और आपका ये वाले फार्मूला, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या फ़र्क आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन माइनस वाले का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब जो आपका जो चिन्ह जो रहता है वो सिर्फ कहाँ बदलता है माइनस 2ab में, ठीक है, तो ये वाला माइनस वाला था तो उसको मैंने पूरा सॉल्व किया, तो कितना आंसर आ गया आपका 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12xy, ठीक है, तो चलिए इसका आंसर ये हो गया, देख लीजिए इसमें कितना है आपके फर्स्ट वाला ही ऑप्शन नहीं, सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये बोला है आपका ए, चलिए अलग कर देता हूँ, पूरा गंदा हो गया मेरा बोर्ड, हैट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे 20 क्वेश्चन में से 19 सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, तो ये लिखा हुआ आपका a into a, उसके बाद है आपका b into b, ठीक है, तो इसको ये बोला है कि किस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, अभिव्यक्त करें, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 3ab, दूसरा ऑप्शन है a b, थर्ड ऑप्शन है ए बी स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन है ए बी 3+3, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी, ठीक। अब याद रखेंगे, देखिए ये तीन और ये तीन, इनका पेयर मैंने क्या बना दिया, एक्चुअली है क्या यही है, ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से भी लिख सकता हूँ ए बी क्यू, ठीक है। अब याद रखेंगे आपका, यदि जैसे कि ये लिखा हुआ है, यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ एक छोटा सा एग्जांपल ये, तो इसको मैं ए बी का क्यू नहीं लिख सकता, याद रखेंगे ये गलत तरीका हो जाएगा, यहाँ पे क्या है इनटू है, इसलिए मैंने दोनों खाते कहाँ कर दिए, कॉमन लेके बाहर कर दिए, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी की पावर 3, ठीक है दोस्तों, तो अपने कितने पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 30 तारीख को AM वाला वीडियो बताऊंगा, ठीक है।
ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।